ऑनराइट अब और कुछ टर्मिनोलॉजी हमें नोट करनी है। जैसे हमने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया है कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, वन वन होते हैं, मेनी वन होते हैं। बाय डेफिनेशन वन मेनी इज नॉट अ फंक्शन। तो वन वन का एक और नाम होता है, वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ये नोट करो, वन वन और इंजेक्टिव दोनों एक ही बात है। दीज आर सिनोनिम्स। वन वन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव, मेनी वन इज कॉल्ड नॉन इंजेक्टिव। ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था इसके पहले के वाले वीडियो में कि कोडोमेन या तो रेंज के बराबर होता है या कोडोमेन रेंज से बड़ा होता है। तो अगर कोडोमेन और रेंज बराबर है तो उसको हम बोलते हैं ऑनटू और सर्जेक्टिव। तो व्हाट इज एन ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन? वेयर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन रेंज से बड़ा है तो उसको हम बोलेंगे इनटू या नॉन सर्जेक्टिव। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको नोट करनी है। सर्जेक्टिव और या ऑनटू क्या होता है? सर्जेक्टिव ऑनटू दोनों सेम है, दे मीन द सेम थिंग। That is codomain is equal to range. Into and non-surjective का मतलब है codomain is bigger than range. और ये हमें पता है codomain cannot be smaller than range. तो that is ruled out. उसके बाद आपको note करना है कि function किस तरह के होते हैं। जैसे relation है, जैसे ये function नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर कोई भी y versus x graph आप ऐसा है, जो graph इस तरह से मुड़ रहा है, इस C type का मुड़ रहा है, ये क्या है? ये basically one में नहीं है। अगर आप एक vertical line draw करोगे, तो यहाँ से आप observe करोगे, एक x पे दो y आ रहे हैं। तो one x and more than one y. One many by definition is not a function. तो कभी भी कोई graph जिसमें curve इस तरह से मुड़ रहा है, ये this will not be a function. This kind of ये मुड़ना allowed नहीं है, ऐसा मुड़ना allowed नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम vertical line draw करेंगे, तो वो उसको बहुत सारे points पे cut कर रही है। इसका मतलब है for one x there are more than one y. तो one many by definition is not a function. But many one एक function हो सकता है और one one भी एक function हो सकता है। Many one का graph आपको कैसा दिखेगा? वो इस तरह की से मुड़ेगा, जैसे sine का graph example. तो इस तरह का मुड़ना अलाउड होता है। दिस काइंड ऑफ इफ आई अगेन इफ यू ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, ये एक ही जगह कट कर रहा है। तो आप ये फाइंड करोगे इस ग्राफ में देयर इज फॉर एवरी एक्स देयर इज ओनली वन वाई। बट ऐसे मुड़ने का मतलब है कि ये मेनी वन है, मतलब इसमें मेनी वन का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये है वन वाई फॉर मोर देन वन एक्स। ये वाई सेम है हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है, और देयर आर मोर देन वन एक्स हियर, सो इट इज मेनी वन। तो दिस इज पॉसिबल, ऐसा मुड़ना अलाउड है फंक्शन में। बट ये वाला मुड़ना अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है मेनी वन, वन मेनी। और वन वन का ग्राफ सिंपल होगा, या तो वो इंक्रीज करेगा या फिर वो डिक्रीज करेगा, वो मुड़ेगा नहीं ग्राफ। तो अगर ग्राफ मुड़ता नहीं है तो वी से इट इज वन वन या वन वन बोलोगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अगर इस तरीके से मुड़ रहा है तो वो मेनी वन है, और ऐसे मुड़ने का मतलब है वन मेनी, एंड वन मेनी बाय डेफिनेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो ग्राफिकली आपको ये नोट करना है कि फंक्शन के ग्राफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये जो नोट करना है आपको समझना है, इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, सब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शंस विच आर बोथ इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव विल बी कॉल्ड बाइजेक्टिव। तो वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डील करेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या है।